तो अगर मैं बात करूं तो ये जो प्री एडमिट कार्ड्स हैं या इन्फॉर्मेशन है एक तरह की, वो दो चीजें बताती है। एक तो डेट ऑफ द एग्जाम, यानी 14 तारीख को है पेपर कि 15 को है, ये आपको पता लगेगा अपना प्री एडमिट कार्ड जब आप अपना एप्लीकेशन नंबर और DOB डाल करके वो डाउनलोड करेंगे, जो आपने अब तक कर लिया होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका पेपर 14 को है कि 15 को है। देखिए, पेपर 14 को है कि 15 को है, इसमें कोई रोल नहीं है इस बात का कि आपका पेपर 1 है कि पेपर 2 है। इसमें सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने देखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन, यदि फॉर्म आपने पहले भरा है तो आपका पेपर 14 तारीख को है, अगर आपका फॉर्म बाद में भरा है आपने कंपैरेटिवली बाकी लोगों की तुलना में, तो आपका जो एग्जाम है वो 15 तारीख को होगा। पेपर 1 पेपर 2 से इसका कोई संबंध नहीं है। कई लोग हैं जिनका पेपर 1 भी सेम डे है 14 को और पेपर 2 भी है, और उल्टा भी है इसका, तो पेपर 1 पेपर 2 का कोई इसमें संबंध नहीं। फॉर्म कब भरा है उस पे डिपेंडेंट है कि 14 को होगा पेपर कि 15 को होगा। अगर सिटी की बात कर रहे हैं हम, तो एग्जामिनेशन सिटी का आपको पता चल जाएगा कि भाई मान लीजिए आपका पेपर जौनपुर में है तो, या बुलंदशहर में है, या जयपुर में है मान लीजिए, तो वो सिटी आपको पता लग जाएगी ताकि आप ट्रैवल प्लान्स अपने बना सकें। ट्रैवल प्लान तो क्या ही कहेंगे, बेसिकली आप देख सकें क्या लॉजिस्टिक्स रहेंगे, कैसे आप टिकट करेंगे, जिससे भी जा रहे हैं आप, ट्रेन टिकट करना है, या कई लोग अलग अलग तरह से जाते हैं, तो वो सब आप देख पाएं। तो दो बातें मुख्य रूप से बताई गई, एक तो डेट क्या है, दूसरा जो आपका सिटी सेंटर है, मतलब सेंटर ऑफ सिटी है, एग्जैक्ट स्कूल नहीं बताया गया, बट आपको पता लग जाएगा कि इस शहर में मेरा पेपर है। टाइमिंग की बात करें तो पेपर 2 का जो टाइम है, टाइम तो यही रहेगा, इन्होंने पहले सिर्फ 14 तारीख दी थी जो एग्जाम डेट थी कि 14 को होगा, लेकिन क्योंकि कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो 15 को भी हो रहा है एग्जाम, तो टाइमिंग तो सेम ही रहेगा। पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में कर दिया है कुछ सालों से, पहले इवनिंग में हुआ करता था, सुबह 9:30 से लेकर के 12 बजे तक, है ना, और पेपर 1 जो है वो आपका दोपहर में 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। बाकी फाइनल टाइमिंग आपके जब एडमिट कार्ड आएगा, 2 दिन पहले फाइनल एडमिट कार्ड, जिसमें आपका टाइमिंग भी होगा, जिसमें आपका जो सिटी है, मतलब सॉरी सिटी नहीं, एग्जैक्ट जो आपका स्कूल है जहां पे पेपर होना है वो भी होगा।